एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। What's up people, welcome back to my channel। तो ये वीडियो आगाशु केओस पे होने वाली है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो बच्चे हुए पॉइंट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। और आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, हाँ वही जो आप देख रहे हैं, उधर टच कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हमारा सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी धंधो इसी से हम जाएंगे। बारिश की वजह से ढंग से चालू भी नहीं हो रही। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बच्चे हुए पॉइंट दिखाएंगे उस साइड से। टुडे आई एम ट्रेवलिंग विद राकेश एंड सूरज। देख रहे हो तरफ जाने वाले। आप स्मोक देख सकते हो, हम उधर जाना। बॉडी फटा है। ये देखो कृष्ण हॉस्पिटल का रंग। तो हम जाएंगे इस साइड से सकिनवाड़ी। ये देखो पांच मंजिल, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ग्राम पंचायत जखिनवाड़ी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल स्मोक दिखाई नहीं देता। उधर से जाने वाले, उधर से सीढ़ियां भी है। बहुत मजा आने वाला है आज। इधर हमने अभी बाइक लगाई है और उस साइड से स्टार्ट करेंगे चलने के लिए। उधर से सीढ़ी है। इधर कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं। हम सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और अपने अर्थ को बचाना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे अभी। इधर से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। हम अभी काउंट करेंगे कितनी सीढ़ियाँ हैं।
ना भाई। इधर नोटिस बोर्ड लगा है, हम पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है। ये भाई पढ़ो तो क्या लिखा है। जायजुस ना अपन रास्ते मत करो रन लो, रन बहुत बुरे लग रहे। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर। और ऊपर है लास्ट ब्लॉग हमने हमारे गांव से स्टार्ट किया था। ये ब्लॉग हमने अलग रास्ते से स्टार्ट किया है, जखिनवाड़ी से। अगर आप भी इस प्लेस को विजिट करना चाहते हो तो ये प्लेस कराड़ से कोल्हापुर 70 किलोमीटर है और सातारा से 50 किलोमीटर। अगर आप कभी कराड़ आओगे तो इस प्लेस को विजिट ज़रूर करना, बहुत अच्छी प्लेस है। जितने भी लोग ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। ऊपर जाके दिखाएंगे। तो आप ये व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू है। हमने उधर से स्टार्ट किया था, लगभग हमने 300 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, और भी सीढ़ियाँ ऊपर आके हम आपको दिखाएंगे और लास्ट में बताएंगे कितनी सीढ़ियाँ है इस आकाशुक के उस पर आने के लिए। चलो पहुंचने वाले हैं, आपको अभी दिखाएंगे फर्स्ट क्या हो, तो रुको दिखाता हूँ। तो हम फर्स्ट के उस पे पहुंच गए, अभी हम अंदर जाके दिखाएंगे आपको क्या क्या है अंदर। ये अभी लगा है, पहले कुछ भी नहीं था। ये दरवाजे सब ये अभी लगा है। तो ये पहला कमरा है, इसके अंदर और भी कमरे हैं। मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कैसा है। अंदर कुछ नहीं दिख रहा। इधर आवाज तो बहुत गूंज रही है। इसमें देखो मछलियां कितनी है, सब मछलियां ही मछलियां। हमने आपको अभी फर्स्ट केव दिखाया है, और भी 52 केव्स है, आपको हम सब दिखाएंगे। तो चलो केव नंबर 2 पर हम पहुंच गए। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा पहले के लोगों ने बनाया है। मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ 2 नंबर के केव में क्या क्या है। इसमें देखने जैसा इतना कुछ नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट केव दिखाऊंगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट अभी हम आपको मेन केव दिखाएंगे। आप ये व्यू देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। ये फूल, बहुत सारे लोग इधर मॉर्निंग वॉक और ट्रैकिंग के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ये 4th नंबर की केव है, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। चलो तो मैं अब इसको खोलता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ एक छोटा कमरा है और कुछ भी नहीं है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट केव दिखाऊंगा। हम सबको इसकी केयर करनी चाहिए क्योंकि ये पहले के लोगों ने बनाया है। अगर आप कभी कराड़ आओगे तो इस प्लेस को विजिट ज़रूर करना, बहुत अच्छी प्लेस है। ये 5th नंबर की केव है और इस पे ताला होने की वजह से हम आपको अंदर जाके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर से ज़रूर दिखाएंगे। ये देखो पानी कैसे जमा हुआ है। इधर टोटल 52 केव्स है और मराठी मध्ये याला लेण्यास बोलतात। 6 नंबर की केव में देखने जैसा बहुत कुछ है, तो चलो देखते हैं। इसमें किसी में भी शिलालेख नहीं है तो हम बता नहीं सकते कब से यहाँ है और किसने बनाया है। 6 नंबर, 7 नंबर, 12 और 17 नंबर, इसके अंदर स्तूप है ये बड़ा वाला। 6 नंबर के बाहर 2 स्तंभ है, एक का नाम अशोक स्तंभ है और दूसरे का नाम सिंह स्तंभ है। इसके वजह से हमको समझ में आता है कि ये बौद्ध कालीन केव है। हम आपको अंदर जाके तो नहीं दिखा सकते, इसमें पानी भरा पड़ा है। तो हम नेक्स्ट
क्या उसे दिखाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसमें बहुत मछलियां है, बारिश की वजह से अब हम इनको खाना खिलाएंगे। हमने आते समय सिर्फ बिस्किट ही लाया था, तो हम इनको बिस्किट खिलाकर नेक्स्ट क्यू पे जाएंगे। तो चलो एलेक्स। एलेक्स एलेक्स तो ये 7 नंबर की केव है। मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, अंदर भगवान की मूर्ति है। तो चलो तो इधर ताला है, मैं आपको अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जूम करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति है अंदर भगवान की। चलो विदाउट टाइम वेस्ट। तो ये 8 नंबर की केव है, मैं अभी आपको फास्ट दिखाऊंगा, क्योंकि हर केव दिखाऊंगा तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो इन। इधर 11 नंबर की केव है, बहुत मजा आता है मॉर्निंग में ट्रैवलिंग करना। 12 नंबर की केव से, इसमें कोई भी शिलालेख नहीं है, इसमें खाली स्तूप है। हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे, तो आओ। ये आप देख सकते हो इसमें स्तूप है, इसमें कोई भी शिलालेख नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कब से यहाँ है। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सदियों से इधर है, बस इसलिए हम सबको इसकी केयर करनी चाहिए। जिसे खोला था वैसे ही लगा देना चाहिए। तो चलो हम सबको भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो 70 नंबर की क्या है उससे, इसमें भी अंदर स्तूप है, चलो दिखा दो। 17 के उसके अंदर ये स्तूप है, इसमें कोई भी शिलालेख नहीं है। देख सकते हो कैसे बनाया हुआ है इसे, कौन से औजारों में दिखाने के लिए हम आपको उधर जाके दिखाएंगे। अभी हम बहुत थक गए, इसलिए इधर आराम करेंगे। इधर पानी भी है और बैठने को अच्छी जगह भी है। ये देखो कैसे लेटता है, गजब बेइज्जती है। हमने खाने के लिए सिर्फ बिस्किट लाया। शाबाश बेटा, मारी। तो रुको जरा, सबर करो, भूख लगी है भाई, खाने में बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखो ये क्या कर रहा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो। बहुत अच्छा पानी कहीं मिल ही नहीं सकता। कितना अच्छा व्यू है। अभी खाली लास्ट केव बचा है, देखो हमें क्या मिल गया।
इसको पैसा गेड़ा बोलते है। इसको हाथ लगाने से ऐसा गोल 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 होता है। शाबाश बेटा, दक्कन जैसा बन गया, कितना अच्छा है ना। नहीं तो ये लास्ट क्या होते, इसके बाद ये खत्म हुआ। और भी है लेकिन वो उस साइड है कमल भरी, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस लाइन में ये लास्ट है, तो आओ दिखाता हूँ। इसमें टोटल 10 कमरे हैं, देखो कैसे बनाया होगा इसे, आप देख सकते हो कितना अच्छा बनाया हुआ है। टोटल 10 कमरे हैं, इधर मैं आपको दिखाऊंगा जिसने भी बनाया, लेकिन बनाया बहुत अच्छा है। सब कमरे में ऐसा ही है बैठने के लिए, इधर भी है देखो, इधर भी ऐसा ही है। और इधर बहुत बड़ा कमरा है, ये देखो आवाज कैसी गूंज रही है इधर। मैम आपको जहां ले जाने वाले उस जगह का नाम कमल भाई रे, तो चलो रास्ता तो मलबरे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। लास्ट वीडियो में मैंने वो टेंपल दिखाया था शिव जी का, वो है। और कमल भाई इस साइड है, हम आपको उधर जाके दिखाएंगे। तो चलो, अगर आप ऊपर से सैटेलाइट से देखोगे तो ये माउंटेन पुमा का रखा है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। बहुत पसीना आ रहा है, थक भी चुके, मोबाइल की बैटरी भी डाउन है और हम थके भी हुए हैं। ये देखो गाइस, ये जो बाबा लोग रहते हैं वो इधर रहते हैं, अंदर भगवान की मूर्ति भी है, हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। कमल भाई इधर से नीचे है और ये आश्रम है। तो हमने अभी दर्शन कर लिया है, अब आयोगा इधर से कमल भर जाने के लिए रास्ता है। ये देखो कैसा रास्ता है दोस्तों, आओ। इस प्लेस को विजिट जरूर करना, बहुत अच्छी जगह है। देखो देख सकते हो आप व्यू कैसा है। गुड लक। देख सकते हो बारिश की वजह से पानी उधर जमा हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए। पेड़ देख सकते हो आप, आ
आप देख सकते हो इधर कितने सारे कमल के फूल है, लेकिन ये रात को खिलते हैं। हम आपको अभी दिखा नहीं पाएंगे, हम आपको किसी और दिन दिखाएंगे। यही वो मंदिर है, मैं आपको 8-10 से दिखाऊंगे, लेकिन अभी इधर काला है, हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मोबाइल में ऐसा जरूर दिखाएंगे। आप इस जगह कभी भी आओ, आपको हर मंदिर या क्यों के पास ऐसा पानी का गड्ढा जरूर मिलेगा। इधर ताला लगा है, मैं अंदर जा नहीं सकते, इसलिए आपको जूम करके दिखाते हैं। हर एक मूर्ति है, वो भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी मूर्ति। और मंदिर के बाहर ये दीप स्तंभ है, आप देख सकते हो, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। बारिश की वजह से ऊपर से पहाड़ों में से पानी आता है, तो सब इधर गिरता है। आप देख सकते हो कितना साफ पानी है, हम इसे पी भी सकते हैं। ये पानी बहुत सारे रूट्स में से नीचे आता है। इस भगवान का नाम भैरवनाथ है, और इधर बहुत सारे कमल के फूल भी है, इसलिए मुझे लगता है कि कमल और भैरव, इसलिए कमल भैरव बुलाते होंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बदली बोलती है हमको मिया 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 मिया, बहुत तेज हो रहा है। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे में नए नए ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स डालता रहूंगा। अगर ब्लॉग में मुझसे कोई गलती हुई है वो मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो गलती मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।